ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि भिन्न एक बट्टा दू को प्रतिशत में व्यक्त करें। भिन्न एक बट्टा दू को प्रतिशत में व्यक्त करें। हल कर रहे हैं, एक नंबर देखिएगा। कहा भिन्न एक बट्टा दू को प्रतिशत में व्यक्त करें, ठीक है। अच्छा, किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो उसे 100 से गुना करना पड़ता है। यहाँ लिख सकते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, गुना करते हैं। अतः एक बट्टा दू गुना 100 तो कट जाएगा 50 मरतबा, इजकल 2 हो जाएगा 50%। यही आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, का 0.635 को 0.635 को प्रतिशत में व्यक्त करें, तो कन्वर्ट इनटू परसेंटेज कैसे करेंगे? हल करते हैं। पहले 0.635 को हम लोग भिन्न में ले आते हैं। 0.635 बट्टा अगर पॉइंट उड़ाए तो 1000 हो जाएगा, तो 635 बट्टा 1000 गुना हम अगर 100 से करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुना करना पड़ता है। तो काटेंगे इसको, इससे ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अर्थात 635 बट्टा 10 एक पॉइंट जाएगा, भाग देंगे तो 63.5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, 62.2% को न्यूनतम भिन्न में बदलना है। 62.2% को किस में बदलना है? तो इसे भिन्न में बदलना है, न्यूनतम भिन्न में बदल देना है। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दिया जाता है। तो पहले इसको 62.2 बट्टा 100 ये तो भिन्न में ला दिए हम लोग, और पॉइंट को उड़ाना हो तो 62 तो एक नीचा अगर 10 से गुना कर दे तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, 622 बट्टा 1000 हो गया, ठीक है। अब 1000 हो गया तो इसको न्यूनतम भिन्न में बदलना है, अर्थात दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, 3 दुना 6 2 कम तो 2 कम 2 500 दुना 1000 अब नहीं लगेगा, अर्थात 311 बट्टा 500 इसका आंसर ये हो जाएगा। न्यूनतम भिन्न क्या हो जाएगा? 311 बट्टा 500 किसका? तो 62.2% का अगर हम भिन्न में बदलें तो। चौथा देखिए, 3 का 10% ज्ञात करें। 3 का 10% कहा, तो का मतलब बोर्ड मास में हम लोग पढ़े हैं BODO से, ऑफ ऑफ मतलब का मतलब गुना, 3 गुना 10। अब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना होता है, तो एक जीरो से एक जीरो एक चला गया, 3 बट्टा 10 तो अर्थात 10 से 3 में भाग देंगे तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 का 10% कितना होगा? 0.3 होगा। पांचवा देखिए, पांचवा है 20 का 40% ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 20% का 40% ज्ञात करना है, 20% का 40%। तो 20 को पहले प्रतिशत है तो बट्टा 100 गुना का मतलब गुना 40 बट्टा 100 इसी को हल कर दे तो 20% का 40% निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो यहाँ गया, एक जीरो से एक जीरो ये भी चला गया, बच गया ना 4 दुना 8, 8 बट्टा 100 अर्थात लिख सकते हैं 8 गुना 1 बट्टा 100 अर्थात 1 बट्टा 100 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो प्रतिशत में आता है, अर्थात 8% आंसर हो जाएगा। तो 20% का 40% कितना होगा? 8% होगा। 20% का 40% का तो 8 पर सीधा 20 का रहता तो 20 गुना 40 बट्टा 100 करते काट के जो आंसर आता वो लिख देते, ठीक है। छठा देखिएगा, 45 रुपये 900 का कितना प्रतिशत है? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कहा 45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है, है ना। तो 900 माना कि 900 रुपये का x प्रतिशत,
बराबर 45 रुपया है, मान लिए 900 रुपये का x प्रतिशत 45 पे, कहा कि 45 रुपया 900 का कितना प्रतिशत होगा, तो 900 रुपये का x प्रतिशत 45 रुपया, तो 900 गुना x प्रतिशत यहाँ दिए हैं बट्टा 100 बराबर 45, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 9x बराबर 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 बट्टा 9, 9 पचे 45 इक्वल टू हो जाएगा 5% आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया 5, इसलिए 5% हो जाएगा, 900 का 5% 45 होगा, 900 रुपये का 5% 45 रुपये होगा। That's over। इस प्रकार